बिशनपुरा थाना क्षेत्र के गौरी श्रीराम में सफाई कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें कि मौत के बाद परिजन और ग्रामीण सड़क को जाम कर दिए। वहीं ग्राम प्रधान पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए परिवार को मुआवजा और प्रधान पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ग्राम सभा गौरी श्रीराम में एक सफाई कर्मचारी तैनात है। सफाई कर्मचारी हर रोज गाँव में जाता था, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा उसे परेशान किया जाता था, जिसको लेकर के सफाई कर्मचारी परेशान रहता था और आज रात में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार वाले और ग्रामीण सड़क पर शव को रखकर सड़क को जाम कर दिया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस परिजन और ग्रामीण को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीण और परिजनों का कहना है कि जो प्रधान द्वारा परेशान किया गया है उसे खिलाफ कार्रवाई करें, साथ ही साथ उसके परिवार वालों को मुआवजा मिले। कार्यरत है आज भी हैं सर, मामला यही है कि ये सफाई कर्मचारी हैं, दुधाई ब्लॉक में कार्यरत है, आज भी हैं सगटिया करक पट्टी के प्रधान धनंजय, इस पे मानसिक उत्पीड़न बार बार करते रहते हैं, शिकायत अधिकारी से करते हैं, जिसके दबाव में आकर के इनको हार्ट अटैक हुआ सर। हार्ट अटैक होने के कारण हम लोग यहाँ कर जाकर के लाश रखे हुए हैं। छोटे बच्चे इनके 3 हैं, हम मरीज जो है उसके बड़े भाई हैं। जब तक छोटे बच्चों का मुआवजा नहीं दिया जाता है, उन पर प्रधान पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग यहाँ से लाश हटाएंगे नहीं। क्या लग रहा है, पुलिस आई भी है तो क्या बातें होंगी आप लोगों से? कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए और अपना जो है बताएं, बता करके हम लोग क्या हम लोग करना है, जब तक आएंगे नहीं तब तक हम हटेंगे। क्या लग रहा है जनपद में धारा 144 भी लागू है, इसके बाद भी आप लोग? सर धारा 144 है, उसके पहले बहुत है, बहुत को भी देखा जाए सर।